हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम राकेश कुमार एंड टुडे माय टॉपिक इज प्रीवियस क्वेश्चन। जो आप लोगों की फरमाइश था कि सर प्रीवियस क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होता है, थोड़ा हमें हेल्प कीजिए, तो इसी के लेकर हम आप लोगों के बीच आज प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी विद्यार्थी से हम गुजारिश करते हैं कि यह क्वेश्चन अच्छा ढंग से देखिए। और किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर उसमें आपको डाउटफुल होता है या परेशानी होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक बात और कहते हैं कि अगर आप पूरा साल पढ़े हैं और आपसे क्वेश्चन बैंक नहीं बन रहा है, तो आप समझिए से आप कुछ नहीं पढ़े हैं। इसलिए हम सभी विद्यार्थी इससे गुजारिश करते हैं कि कम से कम आप इस वर्तमान समय में क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं होता है, तो आपको आप जो साल में पढ़े वो समझिए कुछ नहीं पढ़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पर, यह क्वेश्चन 2017 मैथमेटिक्स BSEB बोर्ड मतलब बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। इफ ए इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 1 2 3। ध्यान से समझिए, ए एक सेट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 2 3। देन पूछ रहा है कि हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट, सेट पर कंटेनिंग, जिसमें क्या कंटेन करता है, 1 2। पहले आप बात समझिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हो तो समझ लीजिए कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को होल्ड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बस इसका जवाब देना है। तो आप ध्यान दीजिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन के केस में अगर कितना एलिमेंट दिया हुआ है, 1 2 3, और ऑप्शन में ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, ऑप्शन आप लोग बुक में देखिएगा तो मिल जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या पूछे तो आप बताइएगा 6। एक का आपका आंसर हो गया, एक का आंसर हो गया 6। हाँ समझे ना, मतलब ए एक सेट है, ए एक सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3। ए एक सेट है उसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3। और कह रहा है कि कितना इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा 1 2 को कंटेन करते हुए। तो आप ध्यान रखिए कि 6 इक्विवेलेंस रिलेशन बने। उसी तरह से देखिए दो नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपके लिखा हुआ है कि एन ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो एन ए इक्वल टू 3, एन ए में 3 एलिमेंट है, एन बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो एन बी में लिख दिए 2 एलिमेंट। अब पूछ रहा है कि एन ए इंटू बी ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो इसका फॉर्मूला ही होता है एन ए इंटू एन बी, है ना। अब वैल्यू रख दीजिए तो ये 3 × 2, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि एन ए इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एन बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है, हमको एन ए क्रॉस बी निकालना है। तो एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, एन ए का वैल्यू 3 दिया हुआ, एन बी का वैल्यू 2 दिया हुआ, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो ये 3 × 2 कितना हो गया, 6। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि फंक्शन, इफ फंक्शन है ना, से किधर डिफाइंड है। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड है। क्या है फंक्शन, तो फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड है। तो यहाँ रियल टू रियल लिख दिए। और फंक्शन में कह रहा है कि आपके पास fx इक्वल टू क्या दे रखा है, fx इक्वल टू 3x-4 दे रखा है। आ कह रहा है कि इसे एफ इनवर्स निकालिए, एफ इनवर्स निकालिए। बात समझिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब आप जितना शॉर्ट में बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कम समय में आपको एबिलिटी हो जाएगा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है कि फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड है और fx इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 3x-4। आपको एफ इनवर्स x निकालना है। तो शॉर्टकट ट्रिक देखिए, इसको समझ लीजिए आप एक्स समझ लीजिए, बात समझिए पहले, इसको एक समझ लेना है। आई माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। और ये 3 गुना में है तो गुना में से क्या चीज़ में आ जाएगा, भाग में 3। यही आपका एफ इनवर्स हो गया। फिर से समझिए, ये फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, इसको क्या समझना है, एक्स समझना है। यहाँ एक्स लिख दें, माइनस में 4 है तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ प्लस में 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए, ये 3 गुना में है तो गुना से क्या चीज़ में आ जाएगा, भाग में 3 आ जाएगा। यहाँ हो गया एफ इनवर्स एक्स,
यानी आप ऑप्शन में जहाँ क्या लिखा हुआ रहेगा एक्स प्लस फोर बाई थ्री उसी में क्या करेंगे टिक लगाएंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर नंबर क्या लिखा हुआ है, आपको डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है साइन एक्स का। फर्स्ट सबसे पहले आप लोगों का क्या काम है कि सबसे पहले आप लोग जितना मैथमेटिकल फार्मूला है जो आप लोग पढ़े हैं उसको एक जगह नोट बनाइए और उसको पहले याद कीजिए, चूँकि यह क्वेश्चन जो है जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फार्मूला ही पूछ दिया है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। फार्मूला याद रहेगा तो बनाइएगा, अदरवाइज नहीं बनाइए। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछेगा था क्या बताइएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और डी बटे डी एक्स एंगल होता है, तो एंगल में एक्स लिखा हुआ है तो कैंसिल हो गया, तब का क्या रह गया कॉस एक्स, यानी ऑप्शन में जहाँ कॉस एक्स लिखा होगा वहाँ टिक लगाइएगा। हाँ समझे ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्स नंबर, फाइव नंबर, यहाँ से देखिएगा लिखा हुआ है डी बटे डी एक्स टैन एक्स टैन एक्स, ये भी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए, अगर कोई पूछे कि टैन का डिफ्रेंशिएशन बताइए तो टैन का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर। बात समझिए, टैन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ सेक स्क्वायर लिख दिए, एंगल के काम करेगा, क्या चीज़ का एंगल का, था एंगल में कितना लिखा हुआ है एक्स, यहाँ एक्स लिख दिए इंटू, नियम है एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या चीज़ को एंगल, तो एंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बटे डी एक्स यहाँ लिख देंगे एक्स, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर यहाँ एक्स इंटू, ये ए कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को कहाँ कर देंगे बाहर, ए बाहर होगी आई डी एक्स बाई डी एक्स, ये आपका कैंसिल हो गया, यानी ए पहले लिख देंगे यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए एक्स, इसी में आप टिक लगाइएगा क्योंकि यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझे ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर है, उसमें कह रहा है कि डिटर्मिनेंट निकालिए वन वन टू 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 फोर और थ्री फाइव सिक्स, इस क्वेश्चन का कह रहा है कि आप क्या चीज़ निकालिए डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज लगाइएगा तो एक मिनट में तो एक दो तीन सेकेंड में बन जाएगा ना, तो इसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं। सॉल्व करके क्यों बनाइएगा, नियम है कि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम में अगर कोई नंबर मैच करता है तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ 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 कौन सा नंबर मल्टीपल में है, तो टू है मल्टीपल में, टू कॉमन ले लीजिए, तो टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ ऊपर में है वन वन टू 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 के टेबल में टू वन टाइम टू वन जा टू, ये भी टू वन जा टू आई टू टू जा फोर आई थ्री फाइव टू। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि ये रो और ये रो, देखिए ये दोनों रो, ये दोनों रो आपस में क्या चीज़ है बराबर है, तो आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का एनी टू रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल हो या इक्वल हो तो इस केस में क्या कहते हैं कि उस डिटर्मिनेंट का सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा जीरो, तो यहाँ जीरो लिख देंगे, गुना करेंगे जीरो से तो जीरो आएगा, यानी आप टिक लगाइएगा क्या चीज़ में जीरो ऑप्शन रहेगा उसमें टिक लगाना है, अलग कहीं नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवन नंबर क्वेश्चन, टेन इनवर्स वन लिखा हुआ है, टेन इनवर्स वन लिखा हुआ है तो टेन इनवर्स वन है तो ये इनवर्स फंक्शन का है, तो हम लोग को सबसे पहले टेबल याद रखना जरूरी है, जैसे पाई टेबल में 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, उसी तरह से साइन इनवर्स वन है तो साइन टेन इनवर्स वन है तो टेन इनवर्स वन मतलब टेन 45 डिग्री का वैल्यू वन होता है, 45 डिग्री को कितना कहते हैं पाई बाई फोर, मतलब ये सब क्वेश्चन आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि उस कौन ऑप्शन में टिक लगाना है पाई बाई फोर, अगर टेन इनवर्स वन लिखा है तो पाई बाई फोर में टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई फोर, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फार्मूला याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा अन्यथा नहीं। फार्मूला ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, ये याद रखना है फार्मूला, है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस
टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। इस पर सॉल्व करेंगे तो इसको क्या समझेंगे, इसको समझेंगे एक्स, इसको क्या समझेंगे, इसको समझेंगे वाई। इस फॉर्मूला पर सेट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ लिख देंगे टेन इनवर्स और यहाँ एक्स लिखा हुआ है, एक्स एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू वन बाई टू प्लस वाई है तो वाई का वैल्यू कितना है, तो वाई का वैल्यू वन बाई फोर। अब वाई यहाँ वन है तो वन लिख देंगे, माइनस यहाँ एक्स है तो एक्स का वैल्यू कितना है, तो एक्स का वैल्यू है वन बाई टू इन टू, और ये वाई है तो वाई का वैल्यू कितना है, वन बाई फोर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स ऊपर में एलसीएम लीजिए तो टू फोर का एलसीएम फोर हो जाएगा, और टू टू जा फोर तो यहाँ लिखेंगे टू आ प्लस ये से ये कैंसिल आपका हो गया वन, अब बाय वन माइनस वन में वन से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वन बाय टू फोर जा एट, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टू प्लस वन तो कितना हो जाएगा, थ्री बाई फोर इन टू, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये सेवन बाई एट आएगा, आई बराबर है तो क्या चीज़ हो जाएगा, गुना का चीज बढ़ेगा तो ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सात बटे आठ। इसको कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं ये सेवन बाई एट आया ना, एटी का एट में से वन घटा सेवन, सेवन बाई एट तो यहाँ लिख देंगे एट बाई सेवन, फोर टू जा एट तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ टेन इनवर्स थ्री टू जा सिक्स तो सिक्स बाई सेवन, तो यही आपका आंसर होगा, जो आंसर मैच करे वही यही जो मतलब टेन इनवर्स सिक्स बाई सेवन में आप टिक लगाइएगा। इस तरह से उम्मीद है कि आप लोग समझते होंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको दिया है एक्स फाइव फाइव एक्स बराबर जीरो और एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, बनाइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का बेस्ट ट्रिक क्या है, इसको क्रॉस गुना कीजिए, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से फाइव में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में है ट्वेंटी फाइव, इधर क्या चीज आ जाएगा प्लस में ट्वेंटी फाइव, तो एक्स स्क्वायर से क्या चलेगा रूट अंडर ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस, यहाँ दीजिए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस और पच्चीस का कितना आ जाएगा पाँच, यानी इसमें टिक लगाना है, वहाँ समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, टेन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेन टू थर्टी फाइव सेवन आकर आए बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट है सॉल्व कीजिए, तो इसको इसको गुना करेंगे, क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं तो दस में सात से गुना कीजिएगा तो सेवेंटी आएगा, हम बीच में चीज माइनस के देते हैं, थर्टी फाइव में टू से गुना कीजिएगा तो सेवेंटी आएगा, इसको घटाइएगा जीरो, यानी आपको टिक कहाँ लगाना है, जहाँ जीरो रहेगा उस ऑप्शन में, है ना, बात समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन में कि आपके पास दिया हुआ है ए इक्वल टू नाइन टेन इलेवन, है ना, और बी इसी में दिया हुआ है फर्स्ट रो में नाइन टेन इलेवन, सेकेंड रो में ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, और अरे आप 2017 में जो क्वेश्चन पूछा है ना बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 2017 में मैथ में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है वही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, बात समझिए, है ना, बात समझिए क्या बोल रहे हैं, बिहार बोर्ड 2017 मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस क्वेश्चन में देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। ए इक्वल टू दिया हुआ है नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, और आपको बी इक्वल टू दे रखा है, बी इक्वल टू दे रखा है इलेवन टेन नाइन, है ना,
और 876, इसको इसको क्या करना है, ए प्लस बी करना है, जोड़ना है, जोड़ना है। तो जोड़ आप लोग नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ, 9, 10, अरे भैया जोड़ दीजिए, उतना माथापिची नहीं कीजिए। ए प्लस बी निकालना है ना, यहाँ ए है यहाँ बी है, जोड़िए। 9 में 11 जोड़िएगा कितना आएगा, 20। 10 में 10 जोड़िएगा कितना आएगा, 20। जोड़ना है, 11 में 9 जोड़िएगा कितना आएगा, 20। 12 में 8 जोड़िएगा कितना आएगा, 20, है ना। 13 में 7 जोड़िएगा कितना आएगा, 20। 14 में 6 जोड़िएगा कितना आएगा, 20। तो आपको ऑप्शन में इतना मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है, टिक लगाना है। बात समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डी बटे डी एक्स सेक एक्स से पूछ रहा है ना। सेक एक्स से पूछ रहा है तो सेक एक्स का क्या आएगा, सेक का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, सेक का आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ लिख देंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी बटे डी एक्स, एंगल होता है तो एंगल में एक्स ही कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका आंसर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। मतलब अगर सेक का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो क्या लिखना है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बात समझे ना, यही ऑप्शन हुआ, इसी में टिक लगाना है अगर यह क्वेश्चन पूछे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें दिया हुआ है फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला है 1/√1 − x2, यही आपका ऑप्शन है जिसमें टिक लगाइए आप लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। आप बताइए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, है ना। याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2, यहाँ लिख देंगे पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, यानी ऑप्शन नंबर 0 रहेगा जिस ऑप्शन में, उसमें टिक अप करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास दिया हुआ है वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स आप पूछ रहा है डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू, वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स दिया हुआ है, डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए डी वाई बाय डी एक्स, इधर भी लिखिएगा डी वाई डी एक्स, यहाँ साइन यहाँ क्या लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका पहले करते हैं साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, यहाँ लिख देंगे कॉस, उसके बाद ये लॉग एक्स का लॉग एक्स लिख देंगे इनटू डी बटे डी एक्स, एंगल लिखते हैं तो एंगल में क्या है लॉग एक्स, यहाँ लिख देंगे लॉग एक्स, क्या आ जाएगा कॉस लॉग एक्स, ध्यान से देखिए। फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग फंक्शन में होता है जो भी रहता है बगल में, लॉग के बगल में उसको बटा के नीचे लिखते हैं, तो 1/x इंटू डी बटे डी एक्स, आइए एक्स ये कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या आ गया कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, माने जिस ऑप्शन में इतना रहेगा उसमें टिक लगाएंगे। बात समझे ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास दिया है वाई बराबर एक्स के पावर 5, डिफ्रेंशिएट करना है डी बटे डी एक्स निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या कीजिएगा यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स एक्स के पावर 5, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर बगल में आएगा, एक्स लिखेंगे पावर में से कम करेंगे तो 5 है तो कम करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी दिस ऑप्शन 5x⁴ विल बी करेक्ट, है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन x⁵ dx, तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में कि जितना पावर रहता है उसमें एक जोड़ते हैं उतना ही से भाग देते हैं, इसके पावर 5 है तो इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, उतना ही से भाग देते हैं 6, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे, यानी दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ इंटीग्रेशन 0 dx, तो जीरो के बाहर कीजिए इंटीग्रेशन डी एक्स,
तो जीरो, और डी एक्स का कीजिएगा तो एक्स, और यहाँ के जोड़िए या से सी जोड़िए, बात बराबर है। जीरो से गुना कीजिएगा तो ये जीरो, जोड़ के इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा के, यानी ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, है ना। तो हम लोग जानते हैं नीचे वाला का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में हो तो लॉग मॉड नीचे वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स है ना, नीचे का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में है तो लॉग मॉड नीचे वाला, तो लॉग मॉड एक्स लिख देंगे, और इनडिफिनिट है तो एक कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे के या सी, यही आपका आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स के पावर थ्री डी एक्स, एक लाइन के क्वेश्चन है, पावर जितना है अभी सीखा है ना, पावर जितना है उसमें कितना जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं उतना ही से भाग देते हैं, तो इसके पावर थ्री है तो एक जोड़िए तो यहाँ फोर हो जाएगा बाई फोर, कहाँ से कहाँ जाना है हमको, ए से बी की तरफ, तो यहाँ लिख देंगे ए यहाँ बी, इसका अर्थ होता है पहले अपर लिमिट का काम करते हैं तब लोअर लिमिट का, तो क्या लिखा हुआ है एक्स, एक्स के जगह बी लिखेंगे तो बी के पावर क्या हो गया फोर बाई फोर माइनस, अब एक्स के जगह ए रखेंगे तो ए के पावर फोर बाई फोर, इसका एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे तो चार चार का एलसीएम चार आ जाएगा, ई से ही कट गया तो बी के पावर फोर माइनस, ई से ही कट गया तो ए के पावर फोर, यानी दिस ऑप्शन विल बी ऑल्सो करेक्ट, है ना। तो इस तरह से बनाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स बाई वाई, और कहता है इक्वेशन बताइए क्या है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो क्या कीजिएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, ये भाग में है ऐसे गुना करेंगे ऐसे, तो ये वाई भाग में है तो इधर गुना में वाई डी वाई, आई एक्स का एक्स, आई इधर भाग में है डी एक्स, इधर गुना में डी एक्स, इसके बाद क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग वो साइड वी गेट, तो वाई के पावर कितना लिखा हुआ है एक, तो एक बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा दो बाई दो, अब बराबर एक्स के पावर एक है तो फिर एक बढ़ाकर लिखेंगे तो यहाँ दो बटे दो, और एक कॉन्स्टेंट के रूप में कुछ जोड़ देंगे सी या के, ये जोड़ में इधर घटाओ में, तो वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर सी, मतलब ये आपको ध्यान में रखना है कि यही होगा आपका आंसर, है ना। तो ऐसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, आप लोग को जरूर फायदा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर, 22 में दे रखा है डी, इसको भी सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, अब आपको क्या कह रहा है, हाँ सॉल्व करना है इसको, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई, मतलब यही क्वेश्चन आपको दिया है इसको सॉल्व करना है, तो आप ध्यान दीजिए क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या लिख देंगे ई के पावर एक्स बाई, ये माइनस माइनस में रहता है तो नीचे लिखते हैं, अगर प्लस में रहता है तो इंटू में लिखते हैं, ई के पावर वाई लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स अब आई के पावर वाई, फिर इसे इसको लाना चाहिएगा तो आ जाएगा ई लिख देंगे, आधार समान बीच में चिन्ह भाग के तो पावर घटता है, तो एक्स में से वाई वाई घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई, अब क्रॉस गुना कर दीजिए, है ना, क्रॉस गुना कीजिएगा तो इधर जाएगा ई इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई के पावर वाई इधर डी वाई, इधर क्या है ई के पावर एक्स, इधर अब इंटीग्रेटिंग वो साइड भी इधर इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर वाई का ई के पावर वाई ही रह जाएगा इंटीग्रेशन, इसका कीजिएगा तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही इंटीग्रेशन रह जाएगा, और एक कॉन्स्टेंट के रूप में जोड़ दीजिए, है ना। तो मतलब यही आपका आंसर हो गया, इसको इधर कर लीजिए ई के पावर वाई और माइनस ई के पावर एक्स इक्वल टू सी, यही आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा, बात समझे ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, मतलब ऑर्डर पूछ रहा है, एक क्वेश्चन दिया है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू टू एक्स, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि ऑर्डर बताइए, क्या बताइए? ऑर्डर, तो ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर का रूल है कि अगर कोई इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें मैक्सिमम टाइम्स अगर डिफरेंशिएट है वही उसका क्या चीज़ कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। देखिए इतना बार डिफरेंशिएट है, एक बार भी नहीं, एक बार डिफरेंशिएट एको बार नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट है, एक बार डिफरेंशिएट है, एगो डी है, यहाँ देखना है डी के पावर, तो एक बार डिफरेंशिएट है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा वन। यही हो गया, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, है ना। अगला क्वेश्चन इसी तरह का दिया है, उसमें दे रखा है इक्वेशन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का पावर थ्री माइनस फोर डी वाई बटे डी एक्स बराबर टू। अब पूछ रहा है कि इसका डिग्री बताइए, क्या पूछ रहा है? डिग्री पूछ रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, मतलब इसमें ये एक को बार डिफरेंशिएट नहीं है, ये एक बार डिफरेंशिएट, ठीक है, बार डिफरेंशिएट, दो बार डिफरेंशिएट, तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट रहता है उसको ऑर्डर कहते हैं। बात समझिए, एक को बार डिफरेंशिएट नहीं, ये एक बार डिफरेंशिएट, ठीक है, बार डिफरेंशिएट, दो बार, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट रहता है उसको ऑर्डर बोलते हैं, तो इसका ऑर्डर टू होगा। और सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट रहता है उसी के पावर को डिग्री बोलते हैं। यहाँ पर इसके पावर माने सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट ही है, इसका पावर क्या है? थ्री। तो यही आपका डिग्री कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। यही आपका आंसर रहा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट दिया है, कुछ पॉइंट के नाम दे दीजिए, पी फोर फाइव सिक्स, है ना। आ कह रहा है इतना दिया हुआ है, इसका पूछ रहा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर निकालने के तरीका सीखिए। पी ए, लेट पी बी एनी पॉइंट गिवन दैट पी, पी क्या दिया हुआ है? फोर फाइव सिक्स, है ना, ये पॉइंट दिया हुआ है, माना हुआ नहीं, ये दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका पोजीशन वेक्टर लिखिए। पोजीशन वेक्टर लिखना है ना, तो ये पॉइंट पी है, तो एक नाम ओ पी दे दीजिए, वेक्टर ओ पी, फ्रॉम ऑरिजिन से ले लेते हैं, ओ पी नाम दे देते हैं वो लगाकर, इससे कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। और फोर लिखा हुआ है तो याद रखिए, मतलब क्या कहते हैं, टू डी में अगर इस तरह से दिया हुआ रहता है तो एक्स वाई बोलते हैं, तीन को दिया हुआ रहता है तो पहला को एक्स, दूसरा को वाई, तीसरा को जेड, इसी मतलब वेक्टर के फॉर्म में पहला के में आई लगाकर लिखेंगे, दूसरा में जे लगाकर, तीसरा में कसी लगाकर, के लगाकर, और यहाँ फोर है ना, तो फोर आई लिख देंगे, वेक्टर फोर आई, फाइव के बगल में प्लस का चिन्ह है तो प्लस फाइव लिख कर लिख देंगे, फाइव वेक्टर जे, और इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो सिक्स वेक्टर के। तो यही आपका आंसर करेक्ट हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटर्मिनेट मॉडुलस ऑफ टू वेक्टर आई, वेक्टर टू आई माइनस वेक्टर थ्री जे और प्लस वेक्टर के, आई इसका आपको मॉडुलस पूछता है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला ही होता है, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर, माने आई के बगल में कितना है? दो, तो दो के स्क्वायर लिख देंगे, प्लस जे के बगल में कितना है? माइनस थ्री, माइनस तीन का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस के बगल में कितना है? कुछ भी नहीं, तो कितना लिखा हुआ है? एक लिखा हुआ है, तो एक का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, तो नौ चार तेरह कितना हो गया? चौदह। यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, रूट अंडर चौदह। तो इस तरह से बनाते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 27 नंबर कि आपको दे दिया है वेक्टर ओए, कितना दिया है? 2i वेक्टर 2i 5 वेक्टर जे और दे रखा है आपको माइनस 2 वेक्टर के, माने 2 वेक्टर 2 के, और ए ओ भी दे रखा है, वेक्टर ओ भी, वेक्टर ओ भी दे रखा है, 3 वेक्टर 3i प्लस वेक्टर सिक्स जे और प्लस फाइव के। आपसे पूछ रहा है ए बी, वेक्टर ए बी का वैल्यू, है ना। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, आप लोग ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। तो क्या लिख देंगे? वेक्टर ए बी निकालेंगे, तो आगे घटाओ पीछे, क्या बोले? ध्यान में आया? आगे घटाओ पीछे, माने बी घटाओ ए, क्या लिखेंगे? बी घटाओ ए, आई ओ लगाया हुआ है, वो सटा दीजिए,
यानी वेक्टर ए भी है माइनस वेक्टर ओ है। वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे तो वेक्टर होगी, तो क्या लिखा हुआ थ्री आई सिक्स जे फाइव के और माइनस आई ओ ए, तो ए का वैल्यू कितना लिखा हुआ टू आई प्लस फाइव जे माइनस टू के। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री आई प्लस सिक्स जे प्लस फाइव के। इसको माइनस से गुना कीजिए, कितना से माइनस, माइनस से कीजिएगा तो क्या आएगा माइनस टू आई माइनस फाइव जे माइनस माइनस प्लस टू के, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, थ्री आई में से टू टू आई घटेगा तो क्या बचेगा आई बचेगा, सिक्स जे में से माइनस फाइव जे घटेगा तो प्लस जे बचेगा, फाइव के में से फाइव के प्लस आई टू के भी प्लस, तो कितना आ जाएगा सेवन। यही आपका वेक्टर ए बी का वैल्यू होगा। अरे वाह, चलिए ये सब समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर लिखा हुआ है, 28 नंबर में वेक्टर ए बराबर दे रखा है आई प्लस जे प्लस के और वेक्टर बी दे रखा है टू आई प्लस थ्री जे, टू आई प्लस थ्री जे और माइनस फाइव के, है ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट बी पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, नहीं है कुछ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का वैल्यू रख दीजिए आई जे के, है ना, और डॉट आई बी, तो बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है टू आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, नियम है अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई में आई से गुना कर देंगे, जे में जे से गुना कर देंगे, के में के से, चूँकि अपोजिट का करते हैं तो गुना जीरो आ जाता है, तो इसलिए आई में आई से गुना करेंगे, जे में जे से गुना करेंगे, के में के से, तो आई के बगल में एक है यहाँ दो है, एक में दो से गुना कीजिएगा दो, जे के बगल में एक है, जे के बगल में तीन है, तो एक में तीन से गुना कीजिएगा तीन, अरे कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है एक, तो एक में दो से गुना कीजिएगा दो, एक में तीन से गुना कीजिएगा तीन, आप प्लस यहाँ एक है, एक में माइनस पाँच से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा माइनस पाँच, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो गया दो में तीन जोड़िएगा पाँच और माइनस पाँच, तो कितना आएगा जीरो, जीरो में टिक लगाना है, बात समझे ना, ऐसे बनाया जाता है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में कह रहा है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, ध्यान से समझिए ये दिया हुआ है, तब कहता है कि आप रुकिए ऊपर में बनाते हैं, ऊपर में बनाते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 29 नंबर में कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के, कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बनाइए, सॉल्व कीजिए कितना आएगा, तो देखिए ध्यान से फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, है ना, और परपेंडिकुलर के मतलब हुआ कह दीजिए कौन बनाएगा, थर्टी डिग्री का कौन बनाएगा, 90 डिग्री का, क्या लिख देंगे मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस 90, है ना, इसका रहने दीजिए मॉड वेक्टर ए को मॉड वेक्टर बी को और गुने आई कॉस 90 जी, तो जीरो से टकराएगा वह जीरो हो जाएगा, आपका क्या आ गया जीरो, मतलब ए वेक्टर ए डॉट बी कितना आ गया जीरो आ गया। याद रखना है कि अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जे क्रॉस के बताइए, जे क्रॉस के बताइए, क्या बताइए जे क्रॉस के, देखिए ये हो गया आई, ये हो गया जे,
अयोग्या के, अगर ऐसे आएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लेते हैं, ऐसे आएंगे क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। तो आई क्रॉस जे ऐसे आएंगे तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे आएंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ऐसे चलेंगे जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहा है ना बात, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो क्या आएगा आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई तो क्या आ जाएगा जे, लेकिन क्लॉकवाइज चल, क्लॉकवाइज चलिएगा तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के तो क्या आएगा माइनस जे। फिर ऐसे चलिए, समझ रहे हैं ना, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा के क्रॉस जे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ क्या मिला माइनस आई, और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो क्या लिखिएगा माइनस के। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो यही ना है भाई, जे 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 क्रॉस के, जे क्रॉस के तो यहाँ मिल गया आपको, तो जे क्रॉस के क्या लिखिएगा आई, आई में ठीक लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेड का डायरेक्शन कोसाइन बताइए, डायरेक्शन कोसाइन डीसीएस किसका पूछ रहा है, जेड का, जेड का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ऐसे पूछ रहा है। जेड का डायरेक्शन कोसाइन निकालिएगा तो याद रखिए, एक्स का डायरेक्शन कोसाइन कोई पूछे तो क्या बताइएगा, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट में याद रखिए, एक्स वाई जेड होता है ना, जिसका डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा उसका वैल्यू वन, कितना वन। तो एक्स का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो यहाँ वन लिख दीजिए और सब जीरो। अगर वाई एक्स का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो वाई बीच में है तो बीच में वन, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। अगर वही जेड एक्स का डायरेक्शन कोसाइन पूछ दिया तो लास्ट में, तो इधर नो जीरो है यहाँ वन, मैंने जिसका पूछेगा वो वन बच गया से सब, ये तो यही ना आपका क्वेश्चन था। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डायरेक्शन कोसाइन, अरे डी सी एस का मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड, जेड के पूछ रहा था तो जेड का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया जीरो जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है के डॉट के, के डॉट के याद रखिए फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से के, के डॉट के निकालिएगा क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर के, मॉड वेक्टर के और कॉस, और दो समान वेक्टर के बीच में जीरो डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ क्या ले देंगे जीरो, इसका वैल्यू वन इंटू इसका भी वैल्यू वन, इसका भी वैल्यू वन, तो क्या आ गया वन, यानी के डॉट के आपका कितना आ जाएगा वन। समझे कि नहीं, यस या नो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, समझ में आता है कि नहीं आता है क्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके पास मतलब दो लाइन का अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन वो दे दिया है, मतलब अगला क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि दो गो लाइन है से परपेंडिकुलर है, ई लाइन और ई लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसका डायरेक्शन कोसाइन दे दिया है एल वन एम वन एन वन, है ना, बात समझ गई। इसका डायरेक्शन कोसाइन दे दिया है एल टू एम टू एन टू दोनों का, ये दोनों ये लाइन हो गया एल वन, ये लाइन हो गया एल वन, ये लाइन हो गया एल टू। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एल वन है से परपेंडिकुलर है किसके, एल टू का, ये दिया हुआ, और कह रहा है कि दोनों डायरेक्शन को साइन में क्या रिश्ता होगा, तो याद रखिए एल वन एल टू जोड़ एम वन एम टू और जोड़ एन वन एन टू बराबर क्या होता है जीरो होता है, याद रखिए, है ना, जीरो होता है याद रखिए। अगर समांतर कहेगा, एक और बता देते हैं, एल वन समांतर एल टू कह देगा तो रेशियो लेते हैं एल वन बाई, बोलिए एल वन बाई एल टू और एम वन बाई एम टू और क्या एल वन बाई एम टू, गुड, यही होगा समांतर के केस में रेशियो में होगा और परपेंडिकुलर के केस में इनटू में करेंगे सबको तो क्या आएगा जीरो।
अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दे रहा है डी आर एस, डायरेक्शन रेशियो आपको दे दिया है ए बी सी, है ना। पूछ रहा है बताइए भैया डायरेक्शन कोसाइन आपका क्या होगा। ध्यान से देखिए, डायरेक्शन रेशियो दे दिया है, क्या पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन। याद रखिए, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन किसी फंक्शन का निकालना हो किसी लाइन का तो क्या कर देंगे, ए लिख दीजिए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बात समझे ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमा, ये बी लिखा हुआ है तो बी लिख देंगे बाय अंडर रूट, कितना बताइए उतना ही होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो इतना आप सोच रहे हैं उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सी बाय कितना लिख देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और एक बात याद रखिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को बोलते हैं समेशन ए स्क्वायर, सिग्मा ए स्क्वायर, क्या बोलते हैं, सिग्मा ए स्क्वायर। इसलिए आपका डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, ए बाय अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर कॉमा बी बाय अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर, चूंकि सब सेम ना है, इतना का वैल्यू समेशन ए स्क्वायर लिखे हैं, तो ए बाय अंडर रूट समेशन ए स्क्वायर, बी बाय अंडर रूट समेशन ए स्क्वायर, सी बाय अंडर रूट समेशन सी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। मतलब यही आंसर में आपको टिक करना है, बात समझे ना। और एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का था। हाँ हाँ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसी टाइप का, ध्यान से देखना है आप लोगों को। कह रहा है उस क्वेश्चन में कि आपको दिया हुआ है कि कोई लाइन है, कोई लाइन है पास कर रहा है, मतलब इसको ले लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, कोई लाइन है कि पास कर रहा है अल्फा बीटा गामा से, कोई लाइन किससे पास करता है, अल्फा बीटा गामा से, इफ ए लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा, और इसका डायरेक्शन कोसाइन डी सी एस दिया हुआ है एल एम एन, बात समझिए क्या कहते हैं, इफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड इट्स डायरेक्शन रेशियो एल एम एन, तब कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस, यहाँ से ले लीजिए अल्फा, अब बाय यहाँ से ले लीजिए एल, ना समझे, इसी तरह से वाई माइनस यहाँ से ले लीजिए जिससे पास करता है उसको घटा देते हैं बीटा बाय, ये हो जाएगा एल। उसके बाद उसी तरह से क्या ले लेंगे, जेड माइनस गामा, अब बाय यहाँ से, विच इज इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड हुज डायरेक्शन कोसाइन इज एल एम एन, समझे ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक दे दिया है प्लेन का इक्वेशन 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है। इसका पूछ रहा है डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, x के बगल में कितना है 7, y के बगल में कितना है 4, z के बगल में कितना है माइनस 2, यही इसका क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो, ना समझे। अगर कोई प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ आपसे पूछ दिया डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो एक्स के बगल में जो है सो लिख दीजिए, वाई के बगल में है जो लिख दीजिए, जेड के बगल में से लिख दीजिए, शॉर्ट में लिखे हैं डायरेक्शन रेशियो को डी आर एस, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपके पास मतलब 37 कह रहा है कि ए और बी है ना, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, हाँ समझिए, ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तब पूछ रहा है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला होता है अगर दो नंबर इंडिपेंडेंट हो तो उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल कर गुना कर देते हैं, मतलब पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है, समझे।
मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहेगा, तो उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया आपको, करा ए कॉमा बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तब कह रहा है इसी तरह से पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बताइए क्या। आप लोग तो होशियार विद्यार्थी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का इंटू कर देंगे, पी ए बोलिए पी बी और क्या हो जाएगा पी सी, यही होगा आपका आंसर। हाँ समझे ना। और एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा देखते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास दिया हुआ है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस दे दिया है एस, एक इवेंट दे दिया है ई, पूछ रहा है पी क्या होगा। भैया पी का फॉर्मूला ही होता है पी बराबर क्या होता है एन ई बाई एन एस, भूलना नहीं, फिर से समझिए। आपको सैंपल स्पेसेस दिया है, इवेंट दिया है, अब पी पूछ रहा है तो पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू एन ई बाई एन एस, यही फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए। एट लास्ट जो लास्ट है क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन ही पूछा करता था बोर्ड में 2017 में, फिर सिलेबस को आगे इम्प्रूव करके मतलब 60 क्वेश्चन पूछने लगा है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर आपको, हाँ चलिए ऊपर बना देते हैं। दे रखा है अगला क्वेश्चन आपको, पी ए दिया है, पी ए दे रखा है आपको 3/8 और पी वी दे रखा है आपको 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है 1/4 और आपसे पूछ रहा है पी ए यूनियन बी का वैल्यू, क्या चीज़ का वैल्यू, पी ए यूनियन, फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, पी ए यूनियन बी निकालेंगे ना, पी ए यूनियन बी फॉर्मूला होता है पी ए जोर पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बात समझिए, पी ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला आता है, पी ए जोर पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही फार्मूला लगा देंगे। तो यह फार्मूला लगाएंगे तो क्या लिख देंगे, ध्यान से देखिए, पी तो पी ए यूनियन बी तो पी ए, तो पी ए का वैल्यू कितना दिया है 3/8, 3/8 लिखिए प्लस पी वी, पी वी का वैल्यू कितना दिया है 1/2 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 1/2, बस इसको सॉल्व कीजिए, 8 2 4 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल तो 3 और 2 के टेबल में 8 2 2 4 8 आई 4 2 8 है ना, सॉल्व कर रहे हैं तो ये 3 4 में से 2 घटेगा 2/8 तो 3 + 2 कितना आपका हो जाएगा 5/8, यही होगी ऑप्शन। तो इस तरह से हम उम्मीद किए थे कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।